मित्रा, गौरतलब बात यह है कि ईडी का जो एक्शन है वो दिल्ली से बिहार तक इस वक्त चल रहा है। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर छापेमारी ईडी की चल रही है। छापेमारी लालू परिवार से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले में की जा रही है। दरअसल अबू दोजाना लालू प्रसाद यादव के करीबी है और यहाँ इस एक्शन का साफ मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अबू दोजाना को लालू परिवार का बेहद करीबी और विश्वस्त माना जाता है। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। आदित्य, ईडी की ये छापेमारी अभी भी चल रही है, कितना वक्त हो चुका है और इसका, इस शख्स जिसका नया नाम आ रहा है, इसका अपना रोल क्या इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर पहले तो ये बता दूं कि आज जो प्रवर्तन निदेशालय की रेड चल रही है, आप देख सकते हैं इसी घर में चल रही है। ये है पूर्व विधायक हैं सुरसंड के अबू दोजाना, जिनका ये घर है जहां प्रवर्तन निदेशालय की रेड चल रही है। बड़ी बात यह है कि इनका कोई नाम नया नहीं आया है और ये काफी पुराने करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के भी और पूरे लालू परिवार के भी। बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने केस रजिस्टर किया था। ये वही मॉल था जो अबू दोजाना की कंपनी खुद बना रही थी। बड़ी बात यह है कि उसी मॉल को लेकर अबू दोजाना के रोल को खंगाला जा रहा है और साथ में ऑफ कोर्स लालू परिवार के करीबी होने की वजह से जो शिकंजा है वो लालू प्रसाद यादव पर कसता जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की रेड जारी है। बड़ी बात यह है कि ये वही बालकनी है, इसी से थोड़ी देर पहले अभी अबू दोजाना बाहर आए थे और उन्होंने मीडिया से कुछ बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अफसर यहाँ कर क्या रहे हैं ये वही नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि तब तक अफसर बाहर आए और उन्हें अंदर ले जाया गया, तो यही सब चीजें सामने आ रही हैं। अभी तीन अफसर बाहर निकले थे प्रवर्तन निदेशालय के, उन्होंने भी कुछ बड़ी जानकारी देने से मना किया और अब भी रेड इसी मकान में जारी है। इसके साथ ही आदित्य, ये अबू दोजाना से कैसे ये पूरा मामला जुड़ता है, कहां तक ये तार पहुंचे हैं, क्यों उन तक घर पर कार्रवाई करने की नौबत आई है? जी बिल्कुल, जहां तक साफ तौर पर देखा जाए कि ये पूरा मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का और उसकी के सीक्वेंस में एक मॉल बनाया जा रहा था यहाँ पटना में बेली रोड पर, जिस पूरे मॉल को अटैच कर दिया गया प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। जब जांच कराई गई पता चला कि ये वो मॉल इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है, इन्हीं की कंपनी बना रही है और ये वही समय था जब ये पहली बार स्कैनर पे आए। ये मामला 2017-18 से जारी है और बड़ी बात ये है कि इसके पहले भी इनके रोल को जांचा जा चुका है, खंगाला जा चुका है, लेकिन देखना ये होगा कि जो आज की रेड जारी है, जो अभी प्रवर्तन निदेशालय के अफसर अंदर मौजूद हैं, वो क्या जानकारी निकाल पाते हैं, क्या क्लिंचिंग एविडेंस सामने आ पाता है जिससे कि केस को एस्टैब्लिश किया जा सके। चूंकि बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले भी जब सीबीआई की रेड हुई की पहले रेड हुई थी, फिर बाद में पूछताछ हुई पहले राबड़ी देवी से और बाद में खुद लालू प्रसाद यादव से। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिए। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पहले पूछताछ हुई और उसके बाद अब उनके करीबियों के घर पर ये छापे चल रहे हैं।